अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ 16वें पारे का ख़ुलासा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। 15वें पारे के आखिर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़िया चल रहा था, जो आपने कल उसके दो हिस्से मुलाहज़ा किए और आपने सुने, और यहाँ से शुरू होता है। क़ाल अलम अक़ुल्लक इन्नका लन तस्ततीअ मअय्य सबरा। पिछले वाक़े में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था कि आपने मुझसे पूछना नहीं है जो मैं कुछ करूँगा। यहाँ पर फिर ये हुआ कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक बच्चे को कत्ल कर दिया, और चूँकि ज़ाहिरी तौर पर ये शरीयत के अहकाम के ख़िलाफ़ था, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आपने क्यों कत्ल किया इसको। तो उस पर फरमाया हज़रत खिज़र ने कि मैंने आपको कहा नहीं था कि आपने मुझसे नहीं पूछना, और अगर आपने दोबारा इसके बाद कोई बात पूछी तो फिर हमारे रास्ते जुदा हो जाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, और इसके बाद फिर फ़नतलक़ा हत्ता इज़ा अतया अहल क़रियति इस्तत्अमा अहलहा फ़अबौ। ये एक बस्ती में पहुँचे और बस्ती वालों को कहा कि भाई हमारा कोई इकराम करें, हमसे कोई खाना वाना तलब किया, तो उन लोगों ने इनकार कर दिया। और फिर आगे जाके देखा हज़रत खिज़र ने कि एक दीवार है जो कि करीब है कि वो गिर जाए, तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने वो दीवार सीधी कर दी। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन लोगों ने तो हमारा इकराम भी नहीं किया और आपने इनके साथ ये नेकी की। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब हमारे रास्ते जुदा हो गए, क्योंकि मैंने आपको आखिरी वार्निंग इससे पहले दे दी थी। और फिर फरमाया कि अब मैं आपको बताऊंगा कि ये तीनों वाक़यात क्या थे, इनकी क्या हकीकत थी। और फिर तीनों को एक एक करके बता दिया कि जहाँ मैंने उस किश्ती में सुराख कर दिया था, तो मकसद ये था कि आगे एक बादशाह था जो कि सही और सलामत किश्तियों को अपने कब्ज़े में ले लेता था, तो मैंने हुक्म खुदाबंदी से, अल्लाह ताला ने मुझे ये इल्म दिया हुआ था, मुझे ये मालूमात थी, तो मैंने उसमें सुराख किया था ताकि वो आगे बादशाह उसको ले ना ले। और उसके बाद जिस बच्चे को मैंने कत्ल किया, तो असल में इस बच्चे ने आखिर में आगे जाके सरकशी के ज़रिए से और अपनी नाफरमानी की वजह से अपने वालदेन को बहुत परेशान करना था, तो मैंने इसको पहले ही कत्ल कर दिया ताकि उनको ये दिन ना देखना पड़े, और ये भी अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें इसका हुक्म दिया गया था। और उसके बाद तीसरा फरमाया कि ये जिस दीवार को मैंने सीधा किया है, असल में ये दीवार ऐसे वालदेन की थी जो नेक थे, बड़े अच्छे थे, और उनके भी बच्चे छोटे हैं, और इस दीवार के नीचे उन्होंने कोई इनके लिए ख़जाना वगैरह रखा हुआ था, अब अगर ये दीवार गिर जाती तो वो लोग ले रहे थे, तो मैंने इस वजह से सीधा कर दिया है। और ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें सिखाई गई थी। बहरहाल इन तीन वाक़यात के बाद फिर आगे एक तीसरे सवाल का जवाब शुरू होता है। पहले अर्ज़ किया था कि जो लोग आए थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, पहले वो यहूद के पास गए थे मुशरिकीन, और वहाँ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए थे, और उन्होंने आके ये तीन सवाल पूछे थे। तीसरा उसमें से एक सवाल ये भी था कि उस आदमी के बारे में बताए जिसने मशरक और मगरब के असफ़ार किए थे। अब उस सवाल का जवाब यहाँ से शुरू होता है कि वयस अलूनका अंदिल करनैन, उन शख्सियत का नाम ज़ुल्करनैन था, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो आपसे ज़ुल्करनैन के बारे में पूछते हैं, तो आप कह दीजिए कि मैं अभी आपको उसके बारे में बताता हूँ। और उसके बाद फिर आगे उनका किस्सा शुरू होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने उनको ज़मीन में इक्तदार दिया था और उनको हमने वसाइल अता फरमाए थे, और फिर वो चल पड़े, यानी अब उनके सफ़र का तज़किरा शुरू होता है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हत्ता इदा बलगा मगरिब अश-शम्स वजदहा तग़रुबु फी ऐनिन हमीआ, कि वो पहले मगरब की जानिब गए, और जहाँ पर इंसानी आबादी ख़त्म हो जाती है वहाँ तक गए, और उन्होंने देखा, यानी उस मकाम तक पहुँच गए जहाँ पर सूरज डूब जाता है, और फिर वहाँ पे देखा उन्होंने कि कुछ लोग रहते हैं, और चूंकि यहाँ पे उनको गलबा हासिल हो गया था, इस इलाके को फतह कर दिया था, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हमने उनसे कहा कि अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो इन लोगों के साथ एक फातह वाला मामला करें, जिस तरह से फातह किसी मुल्क में आता है, लोगों को वहाँ पर कत्ल करता है, कब्ज़ा करता है, या फिर यह है कि आप इनके साथ दूसरा मामला करें, इनको मुआफ़ करें और इनके साथ अच्छाई का मामला करें, और यही बेहतर है। तो फिर ज़ुल्करनैन ने कहा कि मैं इनके साथ अच्छाई वाला मामला ही करूँगा, अलबत्त अगर इनमें से कोई जुल्म करेगा, ज़्यादती करेगा, तो फिर मैं उसको सज़ा भी दूंगा। इसके बाद उनका दूसरा सफ़र शुरू होता है कि हत्ता इदा बलगा मतलिया शमसी वजदहा तत्लुउ अला क़ौमिन, के फिर इन्होंने मशरिक़ की तरफ सफ़र किया और आखिरी हिस्से में पहुँच गए, और ऐसे इलाके में पहुँचे जहाँ पर ऐसे लोग रहते थे कि जो बस खुली ज़मीन पर रहते थे, उनके कोई मकान वगैरह नहीं थे, और ये वहाँ तक पहुँच गए। और उसके बाद फिर इनके तीसरे सफ़र का अल्लाह ताला जिक्र फरमा रहे हैं कि जो उन्होंने शुमाल की तरफ किया था और बिल्कुल ऊपर के इलाकों में जहाँ आखिरी आबादी थी वहाँ तक गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब वहाँ वो पहुँचे हत्ता इज़ा बलगत सद्दैनी वजदा मिन दूनिहिमा क़ौमन ला यकादून यफ़क़हून क़ौला, ऐसे लोगों के पास पहुँचे जो दो पहाड़ों के दरमियान में रहते थे और बज़ाहिर वहाँ पर तहजीब वगैरह या कोई इतना तमद्दुन भी नहीं था। बहरहाल उन्होंने फिर इनसे कहा कि आप तो बड़े आदमी मालूम होते हैं, आपके तो वसाइल भी हैं,
हमें एक मुश्किल है कि इन पहाड़ों के पीछे से लोग आते हैं, हम पे हमला करते हैं, याजूज माजूज आते हैं, तो आप बराए करम हमें इससे निजात दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चलें आप ऐसा करें कि मेरी मदद करें मेरे काम में, तो मैं यहाँ पे एक दीवार लगा देता हूँ। तो उन लोगों की मदद से वहाँ पे इन्होंने दीवार लगाई और उसके बाद वो वहाँ महफूज हो गए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वतरकना बादहुम बा यौम इदिन यमूजु फी बादिन व नुफिखा फी सूरी फजमअनाहुम जमअ। तो बाद मुफसरीन के मुताबिक इसमें उसकी तरफ इशारा है कि कुर्ब क़यामत में वो याजूज माजूज फिर बाहर आएंगे और समंदर की लहरों की तरह निकलेंगे और ज़मीन में फसाद मचाएंगे, उसकी तरफ यहाँ पे इशारा है। इसके बाद सूरह मरियम शुरू होती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का या आइन स्वाद। सूरह मरियम में बुनियादी तौर पर सबसे ज़्यादा तफसीलात हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के हवाले से हैं और उसकी तफसील है, लेकिन बाकी अंबिया के भी इसमें तज़किरे हैं। तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम चूँकि बुनियादी नुक्ता और बुनियादी मरकज़ हैं इस सूरत का और बुनियादी हिस्सा हैं, तो उन्हीं के नाम पे ये सूरत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसमें सबसे पहले हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम का जिक्र है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब बूढ़े हो चुके थे तो उन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ की थी कि या अल्लाह, मैं जो बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मेरे जो पीछे रिश्तेदार हैं जो कि उस लेवल के नहीं हैं जो मेरे मिशन को जारी रख सकें, मेरे आबो अजदाद यानी हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उसके बाद जो अम्बिया थे उनका जो विजन और मिशन है उसको जारी रख सकें, तो आप मुझे औलाद दीजिए ताकि वो मेरे काम को मेरे मरने के बाद, मेरे दुनिया से जाने के बाद जारी रख सकें। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ठीक है, हम आपको एक बेटा देते हैं, उसका नाम यहया होगा और इससे पहले हमने ये नाम किसी को भी नहीं दिया। और फिर हज़रत यहया अलैहिस्सलाम का थोड़ा सा तज़किरा है, फिर आगे चल के हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप उनको उस किताब में देखिए, यानी किताब में देखिए, उनका तज़किरा देखिए, और इनका किस्सा पहले भी आ चुका है और यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि अल्लाह ताला ने चूंकि इनको बगैर शादी के बेटा देना था तो उसका अल्लाह ताला ने इंतज़ाम किया। और फिर ये एक जगह पे गई और वहाँ पे एक फरिश्ता आया, ऊंची जगह पे ये कहीं फरिश्ता आया और फरिश्ते ने आके बताया कि पहले वो फरिश्ते को देख के ज़रा डर गई, पाक बाज़ खातून थी, और कहा कि मैं अल्लाह की पनाह मांगती हूँ, आप मेरे करीब ना आए। तो फरिश्ते ने कहा कि मैं फरिश्ता हूँ और आपको खुशखबरी देने आया हूँ कि अल्लाह ताला आपको बेटा देने वाला है। तो वो ज़रा परेशान हो गई कि मेरी तो शादी भी नहीं हुई और मैं तो पाक दामन औरत हूँ, तो मुझे कैसे औलाद मिलेगी। तो फरिश्ते ने बताया कि अल्लाह ताला ने ये फैसला किया है और ऐसा होकर रहेगा। तो बहरहाल फिर अल्लाह ताला ने उनको जब बेटा दे दिया तो फिर वो लोगों के पास आई, और अब चूंकि उन्हें इत्मीनान हो चुका था कि अल्लाह की तरफ से है और अल्लाह ही मेरी हिफाजत करने वाला है। और जब लोगों के सामने आई तो लोगों ने वहां पे कहा फ़ातत बिही कौमा तहमिलु कालू या मरियम लक़द जिती शैअन फ़रिया, कि आप तो अजीब काम आपने किया है, या उक्त हारून मा काना अबू किमर असौ व मा कानत उम्मू की बगिया, कि आपके भाई भी पाक बाज थे और आपकी माँ भी वो कोई ऐसी खातून, बदकार खातून नहीं थी, वो भी पाक दामन औरत थी, और आपने ये क्या किया। लोगों ने अपने हिसाब से सोचा। तो वहां पे फिर हज़रत मरियम ने कहा कि फ़ाशारत इलैह, वो चूंकि लोगों से बात नहीं कर रही थी, इशारा किया बच्चे की तरफ, तो उन्होंने कहा कि ये कैसे बात करेगा, आप खुद बात नहीं कर रही और कह रही हैं कि बच्चा बात करेगा। तो इतने में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े जो कि बच्चे थे और गोद में थे, फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, आतानी अल किताब व जअलनी नबिया, अल्लाह ने मुझे किताब दी है और मुझे नबी बनाया है और मुझे ये हुक्म दिया है कि नमाज पढ़ूँ, ज़कात अदा करूँ और वालदेन के साथ नेक सलूक करूं, और अल्लाह ताला ने मुझे शकी नहीं बनाया, मुझे अल्लाह ताला ने नेक आदमी बनाया है। इसके बाद फिर आगे चल के हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वाक़या शुरू होता है, और उनके जो वालिद थे आज़र वो बुत परस्त थे, बल्कि बुत तराश थे, बुत बनाते थे। तो उनको अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़रिए से दावत पहुँचाई। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उनसे मुकालमा किया और उनसे कहा कि या अबत लिमा ताबुदु मा ला यस्मअु वला युबसिरु वला युग्नी अनका शैआ, आप उन चीज़ों की क्यों इबादत करते हैं, ना जो देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना आपकी कोई मदद कर सकते हैं। और अगली बात फरमाई या अबत इन्नी कद जाअनी मिनल इल्मी मा लम यातिका फत्तबिअनी अहदिका सिरातन सबिया, अल्लाह ने जो मुझे इल्म दिया है वो आपको नहीं दिया, और जिस हिदायत से मुझे सरफराज किया है आपको नहीं किया, तो आप मेरी बात माने, मैं आपको सही राह दिखा सकता हूँ। और फिर फरमाया कि या अबदी ला ताबुद शैतान, शैतान की इबादत हर गिज ना करें, यानी शैतान का कहा हर गिज ना माने, क्योंकि वो तो दुश्मन है खुला इंसान का। और फिर फरमाया कि अगर आप ये काम नहीं छोड़ेंगे तो फिर आप पर अजाब भी आ सकता है। तो यह बात सुन के आज़र ने कहा क़ाल अराग़िब अंत अन आलिहति या इब्राहिम, हमारे माबूदों से क्या आप एराज करते हैं और उनके खिलाफ बात करते हैं, अगर आप बाज ना आए तो फिर मैं आपको संसार करूंगा, आपके ऊपर पत्थर बरसाऊंगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है, फिर मैं यहाँ से चला जाता हूँ, और वहाँ से फिर वो चले गए।
इसके बाद आगे मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, वज़कुर फिल किताबी मूसा इन्नहू कान मुखलसन व कान रसूलन नबिया, बहुत ही मुखलिस आदमी थे, अल्लाह के नबी थे, और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने उनके भाई के ज़रिए से उनकी मदद की, उनका भाई भी उनके नायब बना दिया उनको। इसके बाद हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का किस्सा है, वज़कुर फिल किताबी इस्माईल, उनका तज़किरा है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो बड़े ही सच्चे थे और अल्लाह के नबी थे, अपने घर वालों को नमाज और ज़कात की अदायगी का हुक्म देते थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया, वज़कुर फिल किताबी इदरीस, वो भी बड़े सच्चे नबी थे। और इसके बाद और भी अम्बिया का अल्लाह ताला ने आगे तज़किरा फरमाया है। इसके बाद कुछ और मुतफर्रिक चीज़ें हैं इस सूरत के आखिर में, अल्लाह ताला ने मुशरिकीन के बाज़ अक़ायद का भी रद्द किया है, यहूद नसारा के बाज़ अक़ायद, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में वो कहते थे कि भई ये अल्लाह के खुदा हैं, तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं वक़ालू तख़्ज़ रहमान वलदा लक़द जिअतुम शैअन इद्दा, कि ये लोग ये समझते हैं कि अल्लाह ताला की भी कोई औलाद है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये बड़ी गलत बात है और बेबुनियाद बात है। इसके बाद सूरह ताहा शुरू होती है, सूरह ताहा में भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़ियात हैं बहुत तफसील के साथ। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं मा ताहा मा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ताहा मा अनज़लना अलैकल क़ुरआन लितशक़ा, कि हमने ये कुरान आप पर इस वजह से नाजिल नहीं किया कि आप परेशान हों, आप दुखी हों, बल्कि हमने तो ये इस वजह से नाजिल किया है कि जो अल्लाह से डरने वाले हैं उन्हें नसीहत हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफार और मुशरिकीन के जो हालात थे, उनका जो रिस्पांस था, उससे आप बहुत कुड़ते थे, तो अल्लाह ताला आपको यहाँ पे तसल्ली दे रहे हैं। फिर अल्लाह ताला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का यहाँ से वाक़या शुरू होता है, अल्लाह ताला उनका वाक़या बयान फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम मदियन में थे, वहाँ पे इनकी शादी हुई थी, फिर अपनी अहलिया को लेके वापस मिस्र की तरफ आ रहे थे, तो वादी सीना में, सहराए सीना में, वादी तीब में आप रास्ता भूल गए, रास्ता भूल गए तो एक जगह से ऊपर से आपको एक रोशनी नज़र आई, तो आपने अपनी अहलिया को कहा कि कोई आग मालूम होती है, मैं चलता हूँ ताकि मैं देखूँ और फिर मैं कुछ आग आपके पास में लेके आऊँ। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा, आवाज़ आई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारा गया, इन्नी अना रब्बुका फख़्लान अलैक, आवाज़ ये थी कि मैं आपका खुदा हूँ, आपका रब हूँ, अब आप जूते उतार लीजिए। ये वादी तुवा, ये तुवा में पहुँच चुके थे, मुकद्दस वादी है। अल्लाह ताला फरमा रहे कि इन्नका बिलवादिल मुकद्दस तुवा, आप मुकद्दस वादी तुवा में हैं, जूते उतार दीजिए, इस मुकद्दस ज़मीन पर आने का ये तकाजा है, या फिर यह कि चूँकि आप अल्लाह ताला से हम कलाम हो रहे हैं तो उसका तकाजा ये है कि आप जूते उतार दें। उसके बाद अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से मुकालमा किया और क़यामत के बारे में भी बात हुई, और फिर आगे अल्लाह ताला ने उनसे पूछा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में आसा था, अल्लाह ताला ने पूछा क़ाल वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा, मूसा आपके हाथ में क्या है? आगे से मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया क़ाल हिया आसाश, ये मेरी लाठी है, मेरा आसा है, और फिर बताया कि मैं इसे क्या क्या काम लेता हूँ, कि मैं इसके ऊपर सहारा भी लेता हूँ अपनी बकरियों के लिए, इसे पत्ते भी झाड़ता हूँ और भी इससे मैं काम लेता हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसको ज़मीन में डालिए, ज़मीन में फेंकिए। जब उन्होंने वहाँ पर फेंका तो वो एक अजदहा बन गया, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तबान उससे ज़रा डर गए कि ये अजदहा है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसे डरिए नहीं, और हम वापस इसको आपकी लाठी बना देंगे और फिर आपको और भी अपनी निशानियां दिखाएंगे। और फिर चूँकि यहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बता दिया था कि आप मेरे पैगंबर हैं, मैंने आपको चुन लिया है, और अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि इंसानों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाना, और चूँकि अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा दूर वहाँ पर फ़िरौन था, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब फ़िरौन की तरफ जाओ और उसे जाके दावत दो, सरकश हो गया है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाल रब्बि इशरह ली सदरी, या अल्लाह मेरे सीने को खोल दीजिए, वयस्सिर ली अमरी, मेरे काम को आसान कर दीजिए, वहलुल उक़दतम मिन लिसानी, और मेरी ज़ुबान की गिरे भी खोल दीजिए, यफ़क़हु क़ौली, ताकि लोग मेरी बात को समझें, और वज़अली वज़ीरा, और वज़अली वज़ीरा मिन अहली हारून अख़ी अश्दुद बिही अज़री, और मेरे घर वालों में से मेरे भाई हैं इनको मेरा नायब बना दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ठीक है, हम आपके इस दुआ को और इस दरख्वास्त को कबूल करते हैं और हम आपके भाई को आपका नायब बना देते हैं। इसके बाद दोनों को अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि फ़िरौन के पास जाओ, और ये भी फरमाया कि फ़िरौन को जाके जब दावत दो तो उसे नरम तरीके से दावत देना। एक तो ये फरमाया कि वला तनिया फ़ी ज़िक्री, बावजूद इसके कि आप दोनों अब मेरा पैगाम लेके जाएंगे, आप मेरे जलील क़दर पैगंबर हैं, लेकिन मेरे ज़िक्र को नहीं बोलना। इससे पता चलता है कि अहले इल्म और अहले दावत को अल्लाह ताला की तरफ रुजू ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ताकि उनकी दावत में तासीर हो। और फिर फरमाया कि फ़िरौन की तरफ जाओ और उससे नरमी से बात करना। और ये भी एक तालीम है उलमा के लिए, दीनदार तबके के लिए, दावत वालों के लिए, कि वो हमेशा नरम रवैया इख्तियार करें दावत में जब लोगों को बुलाएं।
और उसके बाद फिर वो चले गए फिरौन के पास। अल्लाह ताला ने बताया था कि इस तरह से दावत देना, और जाके फिरौन को कहा कि भाई हम अल्लाह ताला की तरफ से आए हैं और आपने जो बनी इसराइल को अपना गुलाम बनाया हुआ है अब इनको आप छोड़ दें। और इसके बाद फिर दोनों में मुकालमा शुरू हुआ। फिरौन ने कहा कि फिर आपके पास कोई अगर निशानी है तो वो निशानी दिखाएं, तो उन्होंने वही एक अजदा अपने जो अपने आसा वाली निशानी भी दिखाई और अपने जो अल्लाह ताला ने हाथ उनका एक रोशन किया था वो भी निशानी दिखाई। और उसके बाद फिरौन मानने के बजाय वो मुकाबले पे उतर आया और उसने कहा कि ये तो जादू है और अब क्या है कि जादू का मुकाबला जादू से ही होगा। और फिर उसने क्या किया कि फलनातियन्ना का बिसहरी मिसली ही फजअल बैनना व बैनका मौईदा, कि हम भी तुम्हारे जादू का मुकाबला जादू से करेंगे, तो अब कोई दिन बताओ जिसमें मुकाबला हो जाए। तो फिर हजरत मूसा अलैहि सलाम ने फरमाया काल मौईदुकुम यौमु ज़ीनति व अन युहशर अन्नास ज़ुहा, कि फिर एक जो जीनत का दिन है, मेले का दिन है, और उस दिन को हम तय कर लेते हैं और सुबह सुबह का दिन, सुबह का वक्त हम तय कर लेते हैं। फिर मुकर्रर वक्त पे जब आ गए तो उन्होंने आके मूसा अलैहि सलाम से फिर क़ाल लहु मूसा वैलकुम ला तफ्तरू अला अल्लाह कदीबन फयुसहिदकुम बिअज़ाब वक़द ख़ाब मन इफ्तरा। पहले मूसा अलैहि सलाम ने जादूगरों को मुखातब किया और उनसे कहा कि भाई आप जो कर रहे हैं आपको भी मालूम है कि वो गलत है, तो आप इस झूठ से और इस काम से बाज आ जाएं। तो पहला पहले पहली जद उनके ऊपर इसी एक बात से ही पड़ गई थी और आपस में बातें करने लगे कि भाई कुछ बात तो इनकी दुरुस्त है। बहरहाल उसके बाद फिर मुकाबला शुरू हुआ और उन्होंने कहा कि पहले आप अपना काम करेंगे या पहले हम अपने अपना जादू दिखाएं। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ठीक है पहले आप अपना काम करें। और उन्होंने फिर अपनी वो रस्सियाँ और लाठियाँ फेंकी तो वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सांपों की शक्ल में नज़र आना शुरू हो गई। और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप अपनी लाठी फेंकें। जब आपने अपनी लाठी फेंकी और वो अजदा बन गया और उसने सारी रस्सियों को और सारी लाठियों को खा लिया, तो फिर जादूगरों को ये बात समझ आ गई कि ये जादू नहीं है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया, हमने जो किया वो जादू था। और जब उनको ये बात समझ आ गई तो वो सारे सीधे में गिर गए और कहा कि हम ईमान लाते हैं। फिरौन ने उनसे कहा कि भाई आप कैसे ईमान लाएंगे मेरी इजाज़त के बगैर, इससे तो पता चलता है कि भाई ये भी जादूगर थे और इन्होंने तुम्हारे साथ ये मिली भगत की है, तुम्हें जादू सिखाया और अब तुम लोग चाहते हो कि मेरी हुकूमत ख़त्म हो जाए और मेरी इस सल्तनत पे तुम कब्जा कर लो। मैं तुम्हें बड़ी सख्त सजा दूंगा और तुम्हारे मुखालिफ सम से हाथ पांव काटूंगा और तुम्हें सूली पे लटकाऊंगा। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हमें तो अल्लाह ने सीधी राह दिखा दी है, अब अगर इसकी पादाश में आप हमें सजा देते हैं तो हमें ये मंजूर है। और इसके बाद फिर आगे मजीद किस्सा चलता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम का, कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने यहाँ से निजात दे दी फिरौन से और वो अपनी कौम को लेके चले, तो अल्लाह ताला ने फरमाया वलकद औहैना इला मूसा अन असरि बिइबादी फज़रिब लहुम तरीकन फिल बहरि यबसा। बल्कि इस वाक़े के बाद कुछ अरसा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम के साथ उसी इलाके में रहे और दावत का काम करते रहे, लेकिन फिर अल्लाह ताला को जब मंजूर हुआ और फिरौन ने उनको उनके साथ मुकाबला करना चाहा और चाहा कि उनको वो वहाँ से निकाले या उनको उनके काम से रोके, तो अल्लाह ताला ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि अब आपके लिए हुक्म ये है कि अब आप निकल जाएं यहाँ से, इस मुल्क से निकल के आप दूसरी जगह पे जाएं। और रास्ते में क्योंकि समंदर हायल होता था तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इस पर आप अपनी लाठी मारें तो फिर वहाँ से आपके लिए रास्ता निकल आएगा। फतवाहुम फिरऊनु बिजनूदिही फगशियाहुम मिनल यम्मि मा गशियाहुम। और जब रास्ता अल्लाह ताला ने पानी में बना दिया और आप अपनी कौम को लेके पार चले गए तो फिरौन ने अपनी कौम को और अपने लश्कर को भी पीछे डाल दिया और कहा कि मैं इनका पीछा करूंगा, तो अल्लाह ताला ने इसको गर्क कर दिया। और फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हम या बनी इसराइल लकद अंजीनाकुम मिन अदुविकुम ववअदनाकुम जानिब अत्तूर अलअयमन वनज़लना अलैकुमुल मन्न वसलवा। चूँकि फिर इनको सहरा सीना में अल्लाह ने ठहराया था, वहाँ पर इनके ऊपर बादलों का साया किया था, इन्हें मन्न वसलवा दिया था और इनसे वादा किया था कि आपको एक किताब दी जाएगी। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि खाओ पियो लेकिन सरकशी नहीं करना, और जो कि सरकशी करेगा तो उसको सजा मिलेगी। इसके बाद फिर यह हुआ कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जब इन्होंने कहा कि आप हस्बे वादा किताब लाइए, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि आप आ जाएं वह तूर पे, वहाँ पे आके एतकाफ करें, आपको किताब दी जाएगी। अब जब मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पे गए और पीछे अपने भाई को छोड़ा कि आपने लोगों की निगरानी करनी है, उनकी इसलाह करनी है ताकि वह ख़राब ना हो जाएं, तो उन्होंने पीछे से एक बछड़े को अपना माबूद बना लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया और कहा कि ये क्या काम किया है तुम लोगों ने, अफ़क़ाल अलैकुमुल अहदु अम अरदतुम अन यहिल अलैकुम ग़ज़बुम मिन रब्बिकुम फ़ख़लफ़्तुम मौईदी। मुझे गए हुए कोई बहुत ज़्यादा ज़माना गुजर गया था जो आपने पीछे से ये काम शुरू कर दिया। बहरहाल उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ऐसा हुआ था कि हमारे लिए किसी ने ये बनाया था, बछड़ा बनाया था और हम समझे कि यही खुदा है और आप इसको भूल गए हैं।
और उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा कि भाई आपने क्यों इनकी इसलाह नहीं की, मैं तो आपको इसी काम के लिए छोड़ के गया था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि असल में और थोड़ा सा डांटा भी था मूसा अलैहिस्सलाम को और उनके बालों से पकड़ के उन्हें खींचा भी था। तो हज़रत हारून फरमा रहे हैं कि या बना उम्मा ला ताखुज़ बिलहयती वला बिरासी, कि मेरे भाई मेरे साथ ये सलूक ना करो, ये लोग हंसेंगे। और बात असल में ये थी कि आपने मुझे ये भी कहा था कि मैं कोशिश करूं कि फिर लोगों में तफरका ना पड़े, तो मैंने इनको मना किया था और ये मेरी बात नहीं मान रहे थे। तो मुझे ख्याल हुआ कि फिर कौम आपस में तकसीम हो जाएगी, इस वजह से मैं इनको छोड़ के नहीं आया और मैं इनके दरमियान लगा, लेकिन मैंने इनकी इसलाह की कोशिश की थी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम मुतवज्जे हुए सामरी, क्योंकि ये एक बाज़ाहिर मुसलमान बना हुआ था लेकिन हकीकत में ये मुनाफिक था और ये जादू जानता था, तो इसकी तरफ मुतवज्जे हुए क्योंकि सारा काम इसने किया था, तो इसने लोगों को बछड़ा बना के दिया था। तो उसे पूछा कि ये क्या किस्सा है, तो उसने कहा कि मैंने वो चीज़ देखी थी जो लोगों औरों को नज़र नहीं आई थी। और मुफसरीन ने बास फिर इसका वो वाक़िया लिखा है कि जब हज़रत जिब्रील वहाँ इंसानी शक्ल में आए थे घोड़े पे और जब वापस गए तो इसने देखा कि जहाँ जहाँ उनके घोड़े के कदम पड़ते हैं वहाँ पे हरियाली आ जाती है। तो इसने अंदाज़ा लगाया कि इसके अंदर कोई तासीर है, तो उसने वो मट्टी ले ली थी। और दूसरी तरफ उसने ये काम किया था कि जो बनी इसराइल के पास बाद रिवायात के मुताबिक जो फिराउन की कौम थे उनके कुछ इनके पास जेवरात थे कि इन्होंने उनसे उधार लिए हुए थे और इतने में इनको हुक्म हुआ कि निकलो, तो वो इनके पास ही रह गए। तो हारून अलैहिस्सलाम ने इनको बताया था कि चूंकि ये आपके लिए जायज़ नहीं है, कि आपके पास किसी और की अमानत थी और आप इसको मैदान में वहाँ पे फेंक दें, फिर जो उसका तरीक़ाकार था कि आसमान से आ जाएगी वो उसको ले जाएगी वगैरह वगैरह। तो इन्होंने जब वहाँ पे अपने जेवरात डाले तो सामरी ने यह किया कि ये जो मट्टी उसने उठाई थी वहाँ पे उस जगह से वो उसके अंदर डाली, तो उससे एक बछड़ा इसने बनाया और उसमें फिर कुछ आवाज़ भी आने लगी। तो इसने सारा ये किस्सा बताया और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने को सारी सूरत हाल का पता चला कि ये मामला हुआ था। उसके बाद फिर आगे चल के मज़ीद अल्लाह ताला कुछ वाक़यात बयान फरमा रहे हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और फिर शैतान का किस्सा जो पहले भी मुतअद्दिद मरतबा आ चुका, दोबारा अल्लाह ताला उसको यहाँ पे बयान फरमा रहे हैं कि उनके आपस में क्या मामलात हुए थे, क्या बात हुई थी। और आगे आखिरी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्ना लहू मईशतन दंकन वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, कि जिसने हमारी इस नसीहत से हमारे इस कुरान से हमारी इस बात से एराज किया रुगरदानी की तो फिर क्या होगा, फ़इन्ना लहू मईशतन दंका, एक तो यह है कि उसकी मईशत तंग हो जाएगी, दुनिया में भी तंगी होगी, और वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा, हम क़यामत वाले दिन भी उसको अंधा करके उठाएंगे और वो कहेंगे कि काल रब लिमा हशरतनी अअमा वक़द कुंतु बसीरा, या अल्लाह हम दुनिया में तो देखते थे बीना थे, अब आपने हमें क्यों ना बीना कर दिया। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे काल कज़ालिक अतत का आयातुना फनसीताहा, तुम्हारे पास मेरी आयात आई थी तुमने उनको बुला दिया, गोया कि तुम उनसे अंधे हो गए, तो आज मैं तुमको यहाँ पे भी अंधा उठाऊंगा। इसके बाद आगे अल्लाह ताला हुक्म फरमा रहे वअमुर अहलक बिस्सलाति वस्तबिन अलैहा, कि आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए और उनके ऊपर सब्र की उन्हें तलकीन कीजिए। ला नसअलुका रिज़्क़ा, हम आपसे रिज़्क़ नहीं मांगते, रिज़्क़ तो हम आपको देंगे। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है और साथ आपको बताया जा रहा है कि आपने क्या काम करना है। इसके साथ ही 16वां पारा मुकम्मल होता है। अल्लाह ताला से दुआ है जो कुछ कहा अल्लाह ताला इसमें कमी पेशी को मुआफ़ फरमाए और इस पर हम सबको अमल पैरा होने की तौफीक अदा फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे।